ओ भाई साहब कैसे हो? जैसे कि आप देख सकते हो बाल कलाकार हो चुके हैं। हेलो, रात हो चुकी है। वैसे अंधेरे कमरे में थे क्योंकि मूवी देख रहे थे हम। मैं एक चीज एक्सपोज करना चाहता हूँ। हाँ, और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओ खोल यार, इतना गोरा चेहरा हो गया था मेरा, अब सही आ रहा है। सॉरी, मेरी आवाज अलग सी आ रही होगी, माइक नहीं है। इसने पूरे आपकी सिंपथी लेने के लिए मैं अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ। इसी चक्कर में इसने सिंपथी लेने के लिए पर्दे निकाल दिए और कहा मैं गरीब हूँ, मैं अंधेरे में वीडियो बना था और मैंने वो चीज एक्सपोज कर दी। मैं कभी विश्वास मत करना, ये सब नाटक है जो कि मैं भूल जाऊं, कुछ बोल ना सकूं, कुछ एक्सपोज ना कर सकूं। ओ भाई, जिंदगी बहुत है। और मैं यही कह रहा था कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप अगली वीडियो क्यों, कब अपलोड करोगे और इतना टाइम क्यों हो गया। और मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या बताऊँ यार, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले जो बाल पेपर है वो दिखा दे पोते। अरे ये गंदा बाल पेपर है। वैसे मैं बाहर आया हुआ था और यार पता नहीं क्या हो गया मेरी आंखों को। मेरा एक और चैनल भी है वैसे, निगरानी बोल रहे इसके आंखों की दिशा निगा, दिशा पता नहीं, दिशा ही पटानी है हमने। इसकी आंखों की जो क्या होती है नजर, दूर की नजर, पास की नजर थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है। और आप बताएं कि इसके डेले बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं क्योंकि ये सारा दिन मोबाइल के सामने बैठा रहता है मेरी तरह। और काफी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। इसके पीछे एक रीजन है कि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। और कंटेंट मैं असल ब्लॉग में लेके आना चाहता हूँ, तो ब्लॉग बनाने के लिए मुझे किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, तो उसी चक्कर में मैं वीडियो नहीं लाके आ पा रहा। और वैसे आपको नहीं पता, इस भाई का भी चैनल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डीबी एम्पायर के नाम के ऊपर। ब्लॉग डाला करेगा भी, डाला कर यार। मैं पहले रिएक्शन डालता था, रिएक्शन भी डालूंगा, लगातार डालूंगा, बट उसके साथ अब मैंने स्टार्ट किया कि मैं ब्लॉग भी डालूंगी, क्योंकि ब्लॉग में मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ यार, आप बताएं कि ब्लॉग अगर बनाए तो कैसे बनाए, क्या बनाए। हमें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, आप प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई ब्लॉग के लिए कोई किसी भी तरह का आपको टॉपिक मिलता है तो प्लीज बेझिझक बस कमेंट सेक्शन में डाल दें। हाँ जी, डाल दें मतलब डाल दें। और यार बहुत सारे बातें करनी थी मैंने, जिसका मकसद मेरा ऐसी था कि ब्लॉग बनाने के लिए ये ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भूल ही गया वो। क्यों? क्योंकि मैं बकबक करने स्टार्ट हो गया था ना। हाँ, वो मेरे दिमाग में था, मिस हो गया, क्या करे यार। बताओ कि इस जो पैंडेमिक चल रही है कोरोना वायरस, तो इसके दौरान आप नेपाल में क्या चल रहा है, नेपाल के आस पास श्रीलंका में क्या चल रहा है, भूटान में क्या चल रहा है। भूटान, हम अगर हम नेपाल में जाए पहले कौन सा, पहले भूटान आएगा ना, हमारे इंडिया का कौन सा। नेपाल और भूटान एक साथ है ना। आप बताएं कि अगर इंडिया से हम जब नेपाल आएंगे, नेपाल के साथ इंडिया का कौन सा वो एरिया लगता है। यूपी है, आई थिंक यूपी है, बिहार है। बाकी कमेंट सेक्शन आप बताएं। और हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, मैं ना रात को जैसे रजाई के अंदर एसी में और या फिर ऐसी रात को लाइट बंद करके मोबाइल यूज करता रहता था, जिसके कारण आंखें अब धुंधला धुंधला सा नहीं होता। वैसे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे काला काला दिखाई दे रहा हूँ यार। तो पीछे यार मैं धूप के अंदर हूँ ना, इतने सुंदर चेहरे लगते हैं ना ऐसे। और बताओ कि आप नया नया चीज चल रहा है ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। और ये देखिए वो ऐसे शुरू करते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि मैंने अभी नया नया फोन बाय किया है, तो कौन सा है ये बताने तो। ओके ओके, नया फोन बाय किया है तो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, कैसी इसकी स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि कल को आप में से किसी एक को कोई ऐसा फोन बाय करना हो तो आप एक अच्छे तरीके से इस फोन की स्पेसिफिकेशन को जान ले, तो देख सकते हो कि इतनी बढ़िया रिफ्लेक्शन है कि फोन के बीच में से हमारी वीडियो को दिखाई देता है, तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया फोन है। वैसे स्क्रीन ऑफ है, क्या चूतिया बना रहा हूँ मैं। गाली नहीं देनी भाई। तो देख सकते हो कि सबसे पहले इसका क्वाड कैमरा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मैंने कभी फिंगरप्रिंट यूज नहीं किया और ना ही कर सकता हूँ। ये लो गणेश पप्पा जी आगे, माता देख लो गणेश। तो ये है आपका A21s सैमसंग का। हम भी आ रहे हैं बीच में। हाँ जी, तो देख सकते हो कि बहुत बढ़िया फोन है। ओ माय गॉड, आप लेना चाहते हो ये फोन? अगर बात करूँ तो 6GB की रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, सॉरी 64 वो 128 वाला आएगा अभी इंडिया में। और इसकी 6GB की रैम है, बहुत बढ़िया है।
हर प्रकार की गेम आप खेल सकते हो बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरीके से पबजी वगैरह, फ्री फायर जी वगैरह कुछ भी खेलो, पेलो मतलब पेलो कुछ भी खेलो तो बाकी बिहारी लाल की जय। और जाओ जाके 18,000 में ये फोन नया खरीद लो। अगर आप 4GB के वेरिएंट में खरीदना चाहते हो तो ये 16,000 के अंदर पड़ेगा। अच्छा हाँ जी भैया, और मुझे लग रहा है कि M31 लेना चाहिए, उसकी 6 और 128 GB है। 6 GB और 128 GB रोम है, तो रैम है 6 GB है, 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। हाँ वही रोम होगी ना, रोम दैट इज अनदर। अच्छा स्टोरेज है वो 128 वाली। तो आप बताइए कि M31 लेना चाहिए क्योंकि सेल्फी कैमरा है जो वो खूबसूरत बना देता है। आज हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हम अपने ऑफिस में ही बैठे हैं, बहुत जल्द आपको एक नया ऑफिस का टूर देखने को। हाँ चलो आपको बाहर जाके थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं, सड़क कैसे रास्ते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ चलो चलो रास्ते होते हैं।